ठीक है, लिखिए एट ब्रेक इवन पॉइंट, एट ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी सेल्स इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, सेल्स इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, किसमें? एट ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, क्या लिख रहे हैं हम लोग? एट ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इक्वल टू, ब्रेक इवन पॉइंट नीचे लिखिए, सेल्स इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। लिख लिए सब? यस सर। यस सर। हाँ yes, तो इसमें मान लेते हैं, हाँ वेरी गुड। देखिए मान लेते हैं अगर सेल्स मेरा दिया हुआ है और वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट नहीं दिया हुआ, तो निकल जाएगा फिक्स कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट पे फिक्स कॉस्ट कितना है, कोई भी एक चीज नहीं दिया है तो वो निकल जाएगा। ठीक है, और अगर मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, सेल्स जो ब्रेक इवन पॉइंट पे है वो आपका है मान लेते हैं 100, और आपका जो एक्चुअल सेल्स हुआ वो हो गया क्या 110। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट पार कर गए हैं। क्लियर सबको? क्लियर है सबको? यस सर। हाँ तो बताइए प्रॉफिट में आ गए कि नहीं हम लोग, क्योंकि हम लोग तो रिकवर कर लिए ना, वेरिएबल कॉस्ट भी आ गया हमारा और फिक्स कॉस्ट भी आ गया, तो मेरा ज्यादा ही आ गया है 110 आ गया, तो 100 से तो आगे निकल गए, तो प्रॉफिट में आ गए हम लोग। क्लियर है सबको? बोलिए। यस सर। ठीक है, तो इस तरह हमको ब्रेक इवन पॉइंट हेल्प करता है वो पॉइंट जानने में, जिसको अगर हम पार कर लेंगे तो मेरा स्टार्ट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन जो बुक का है जरूर पढ़िएगा, किसी चीज का भी, किसी भी सब्जेक्ट का, उससे ना आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि उसमें दिया रहता है इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये चैप्टर का, इसमें आप क्या जानेंगे, क्या करता है ये। ठीक है, तो उससे फिर आपको अच्छा लगता है चैप्टर। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि बस आगे बढ़ के बस बना लिए तो सीख गए, वैसा नहीं है। हमारा वो चैप्टर का इंपॉर्टेंस और क्यों परिचय जो बोलते हैं वो इंट्रोडक्शन, तो आपको अच्छा लगता है फिर, क्योंकि उसका बेसिक आप समझ गए। ठीक है, चलिए तो फिर देखिए आपका थ्योरी पोर्शन है, अजम्पशन क्या है ब्रेक इवन पॉइंट पे। देखिए आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ वो बीच, अभी क्लियर है? बीच में कॉल आ गया था, अभी क्लियर है सबको? यस सर। यस सर, अब क्लियर। हाँ वो कॉल शायद आता है ना, तो हम कट कर दिए कॉल को, लेकिन कॉल बीच में आता है ना, तो ये थोड़ा देर के लिए हमको लगता है डिसएंगेज हो जाता है नेटवर्क। चलिए ठीक है, फिर देखिए तो ब्रेक इवन एनालिसिस अजम्पशंस हम लोग देख रहे हैं, मान्यता क्या है इसका। देखिए सबसे पहला कि सारा एलिमेंट्स है जो कॉस्ट का, उसको हम लोग बांट सकते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल कंपोनेंट्स में, पहला तो ये अजम्पशन है, तभी तो इसका फॉर्मूला भी देखिए सेल्स इक्वल टू लिखा है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, तो पहला अजम्पशन ये है। दूसरा अजम्पशन में बोल रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट तो कॉन्स्टेंट ही रहता है पर यूनिट, है ना, वो चेंज नहीं होता चाहे कितना भी लेवल ऑफ आउटपुट बढ़े या घटे। ठीक है, और फिर क्या बोला जा रहा है कि फिक्स कॉस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट, फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या होगा, उतना ही रहेगा इसमें, ये सब इसका मान्यता है। हालांकि हम लोग जानते हैं तीनों ही चीज वैलिड नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा कॉस्ट नहीं है जो कि क्या हो, सिर्फ फिक्स्ड हो या सिर्फ वेरिएबल हो, है ना, या अगर सबको हम बांट सके वेरिएबल और फिक्स्ड में, क्योंकि कुछ पार्ट वेरिएबल हो जाता है, कुछ फिक्स्ड हो जाता है ना, तो हम लोग पहले भी चैप्टर्स में ये सब देख रहे थे। दूसरा जिसे बोला जा रहा है वेरिएबल कॉस्ट कॉन्स्टेंट ही रहता है पर यूनिट, तो ये तो हम लोग पढ़े कॉन्स्टेंट रहता है, लेकिन अगर हम बहुत जब लॉट में गुड्स खरीदने लगते हैं, मतलब ज्यादा गुड्स खरीदते हैं, तो क्या होता है डिस्काउंट के कारण वो क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है, और जब कम खरीदते हैं तो वो हमको सस्ता में नहीं मिलता है, तो वो भी तो घटता बढ़ता है, जितना हम परचेज करेंगे उस पर डिपेंड करता है ना, तो वो भी असल मतलब, लेकिन कोई भी चीज क्या होता है कुछ मान्यता लेके ही उसको हम लोग पढ़ते हैं ना या करते हैं, तभी तो फिर आगे प्रोसीड कर पाते हैं। ठीक है, उसी तरह फिक्स कॉस्ट का भी लिखा कॉन्स्टेंट रहेगा, जबकि कॉन्स्टेंट नहीं रहता। अगर हम अपना प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो बताइए हमको नया फैक्ट्री का, नया मशीन का, नया जगह का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ना। Yes, sir. हाँ तो फिक्स्ड कॉस्ट भी कहाँ कांस्टेंट हुआ सारा वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के लिए, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो आपको और फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा, क्योंकि आपको जगह मशीन ये सब भी
चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह कुछ कुछ और पॉइंट्स है, आप लोग पढ़िए, किसी भी अजम्पशन में लगेगा कि ये पूछना है तो पूछिएगा, है ना। फिर एडवांटेजेस है, जैसे एडवांटेजेस हम लोग देख ही रहते हैं, हेल्प करेगा ये हमको, है ना, कि क्या मेरा कॉस्ट होगा, क्या प्रॉफिट होगा अलग अलग लेवल ऑफ आउटपुट पर, ठीक है। हम किसी भी प्रोडक्ट का, प्रोजेक्ट का पोटेंशियल देख सकते हैं कि कितना में हमको प्रॉफिट जनरेट होने लगेगा, कितना वेट करना पड़ेगा, ये सब कितना हमको टाइम लगेगा सेल्स इतना करने में, मतलब एनालिसिस कर करके हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी रीड करना है। फिर यूटिलिटी ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, क्या यूज है इसका, ब्रेक इवन एनालिसिस का। तो जैसे हम लोग देख रहे थे अकाउंटिंग डेटा को समझने में मदद करता है ये, है ना, कितना मेरा हमको प्रॉफिट पाने के लिए कितना सेल करना है, ब्रेक इवन पे आने के लिए कितना हमको फिगर पे आ जाना है कि हम बीट कर दे उस लेवल को, है ना, ब्रेक इवन पॉइंट को, मतलब आगे निकल जाए उसके, ठीक है। डायग्नोस्टिक टूल है, हमको समझने में मदद करता है क्या चीज से मेरा ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ेगा घटेगा, है ना, घटा बढ़ा सकते हैं। फिर प्रॉफिट इंप्रूवमेंट और इसकी वैल्यूएशन, ठीक है, पढ़िए सर। फिर लिमिटेशंस बताया हुआ है ना, क्या लिमिटेशंस है ब्रेक इवन एनालिसिस का। थ्योरी के लिए भी ब्रेक इवन पॉइंट इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल के लिए तो इंपॉर्टेंट है, ये अभी हम लोग देखेंगे, सिंपल चैप्टर है। प्रैक्टिकल भी आप देखिएगा ना कि बस फॉर्मूला बेस्ड है और सिंपल फॉर्मूला है और बहुत स्कोरिंग है ये, हाँ आने का आएगा तो आप स्कोर कर पाएंगे। लिमिटेशंस लिखा हुआ है, ठीक है, चलिए। तो लिमिटेशंस में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, लिमिटेशंस जैसे अभी हम लोग देख भी रहे थे कि, है ना, कुछ कुछ पॉइंट्स में कवर कर रहे थे, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट भी क्या होता है, चेंज होते रहता है, जैसे जैसे मेरा सेलिंग प्राइस अगर हम चेंज करेंगे, मेरा से यूनिट्स घटेगा बढ़ेगा, बेचते हैं जितना हम उससे होगा ये, फिर बोलते हैं इसमें फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, सेम होता है जैसे अभी, लेकिन हम लोग देखिए फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम नहीं रहेगा हर लेवल ऑफ आउटपुट के लिए, जब हम लोग बहुत ज्यादा एक लेवल तक ही फिक्स होता है कोई भी चीज, उसके बाद तो क्या होता है उसको, वो भी बढ़ जाएगा, है ना। तो इसी तरह कुछ कुछ और पॉइंट्स है, आप पढ़िए, कहीं पे डाउट आएगा तो आप पूछिएगा। तो इसमें देखिए एक्सप्लेनेशन भी पूरा डिटेल में किया हुआ है, आप क्या करिएगा थ्योरी के लिए इसका, जैसे आप पढ़े कोई पॉइंट है उसका बस मेन समझ लीजिए इसमें क्या बोला गया है, उसको आप अपने से लिखिएगा, उसको लर्न करने का ये नहीं सोचिएगा कि लर्न करना है, उसको खुद से लिखने का कॉन्फिडेंस रखिएगा, बस समझ लीजिए इसमें ये है मेन पॉइंट क्या है इसका ये, ठीक है। तो उसका मेन लाइन या एक दो लाइन अंडरलाइन कर सकते हैं आप, और उससे अपना एक एक लाइन में या डेढ़ लाइन में दो लाइन में उसको खुद से अगर चाहे तो लिख भी देंगे तो आपका सेव हो जाएगा टाइम, एग्जाम में फिर आपको उतना पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, बस पॉइंट पढ़े, और क्योंकि आपका अपना एक्सप्लेनेशन साथ में लिखा हुआ है एक लाइन का, या अगर आप समझ गए तो लिखने का भी जरूरत नहीं है, अगर आपको लगता है कि अब हम पॉइंट से ही समझने लग गए हैं, ठीक है, तो उससे भी हो जाएगा, तो ठीक है। तो इसको देखिए, चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट में आते हैं। अच्छा, इसका एक थ्योरी वाला आप लिख लीजिए, थ्योरी के लिए लिखिए क्वेश्चन, एक्सप्लेन ब्रेक इवन पॉइंट और ब्रेक इवन एनालिसिस, दोनों होगा तो वही आप एक्सप्लेन करिएगा, और ब्रेक इवन एनालिसिस लिख लिए सब। लिख लिए? यस सर। तो इसमें बाकी पॉइंट, बाकी जो टॉपिक्स है वो तो लिख ही सकते हैं, एडवांटेजेस को और डिसएडवांटेजेस को शामिल करिएगा, और अजम्पशंस को भी, हाँ, और यूजेस का भी अगर कुछ पॉइंट कर लेंगे तो अच्छा है ना, कि कहाँ यूज आता है। तो जैसे 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो आप इजिली कर सकते हैं, तो अभी तक जितना हम लोग पोर्शन किए सब उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं, और प्लस अभी जो हम लोग प्रैक्टिकल वाला में जाएंगे तो आप फॉर्मूला भी इंक्लूड कर सकते हैं जो आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब आइए देखिए, नेक्स्ट है आपका टॉपिक है क्या, कंप्यूटेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, आ गए सब इसमें? यस सर। बाकी लोग भी बोलिए। अब देखिए, अब इजी है ना, बस ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा इजी लगेगा अभी आपको। देखिए क्या बोला गया, कंप्यूटेशन कैसे हम लोग निकालते हैं, क्या ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, तो कैसे कैसे काम करते हैं इसमें। सबसे पहला देखिए बोला गया, दो अप्रोच है इसके अंदर, मतलब दो तरीका है, क्या है, पहला बोला गया है, ठीक है, कि हमारा फॉर्मूला अप्रोच है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक मेथड, ठीक है, अलजेब्रिक मेथड के तहत, और दूसरा लिखा हुआ है चार्ट अप्रोच, द चार्ट अप्रोच, चार्ट के थ्रू। तो पहला मेथड, पहला अप्रोच से चलते हैं, फॉर्मुलेशन वाला से, है ना, फॉर्मूला अप्रोच से, अलजेब्रिक मेथड। तो उसमें देखिए ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में, रुपीज में, कैपेसिटी में, ब्रेक इवन रेशियो और कंपोजिट ब्रेक इवन
पॉइंट बताया गया है। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, इसको टिक करिए तो आप यहाँ पे जो अभी पोर्शन कर रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट फॉर्मूला बेस्ड है ना, इसको टिक कर लीजिए, इसको आपको देखना होगा फॉर्मूला। देखिए तो पहला फॉर्मूला क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट अगर हमको यूनिट्स में निकालना है, यूनिट्स मतलब क्या है, रुपीज नहीं यूनिट्स का बात हो रहा है ना, कितना यूनिट हम बेचे कि मेरा क्या हो जाए, ब्रेक इवन पॉइंट आए। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो कितना जितना भी मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो रुपीज में हो गया, और यहाँ पे ये भी रुपीज में है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और ये भी किस में है, वेरिएबल भी किस में, रुपीज में। तो ऊपर भी रुपीज और नीचे में भी देखिए कॉमन कॉमन अगर निकालेंगे सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट का, तो ये भी क्या आएगा, रुपीज। तो ऊपर रुपी और नीचे रुपी, फिक्स कॉस्ट वाला रुपी है ना, और ये नीचे वाला रुपी जो एसपी माइनस वीयू है, तो दोनों रुपी रुपी कटेगा, तो आएगा क्या आपका आंसर किस में आएगा, यूनिट्स में। क्लियर है सबको, बोलिए। यस सर। और एक बार सर। हाँ, और एक बार अब एग्जांपल के थ्रू भी बता देंगे आपको। देखिए मान लेते हैं एक हम लोग कोई सामान बेचते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट उसमें मेरा उसको बनाने में टोटल आता है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, है ना। तो एक सामान है जिसमें हमको बनाने में मान लेते हैं 10,000 मेरा क्या लगता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लगता है। क्लियर है सबको, सुनाई दे रहा है सब सही से? यस सर। यस सर। ठीक है, उसको जब हम लोग बेचते हैं मतलब सेलिंग प्राइस उस प्रोडक्ट का मान लेते हैं कितना है, 20 रुपया है, ठीक है, एक यूनिट का। और वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट तो हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग पढ़ के ही आए क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट, जो भी प्राइम कॉस्ट मतलब डायरेक्ट कॉस्ट है, और जो भी वेरिएबल खर्चा है कोई दूसरा में भी, इवन आपका फैक्ट्री में, ऑफिस में, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो भी खर्चे आ जाते हैं, सबको मिला के मान लेते हैं वो आ जाता है, सिंपल करने के लिए मान लेते हैं 10 रुपया वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कितना हुआ, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे फिर हम यहाँ पे कर लेते हैं, देखिए 10,000 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, नीचे कितना आया 10, और ये 10 भी किस में आया, रुपीस में, और ये 10,000 भी किस में, रुपीस में। ठीक है, क्लियर है सबको, बोलिए यहां तक। क्लियर yes, है। हाँ, रुपीस रुपीस कट जाएगा और एक जीरो कट जाएगा, कितना यूनिट्स मतलब आप बेचेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट में आ जाएंगे 1,000। क्लियर हो गया सबको अब? यस सर। सबको क्लियर है, बोलिए। यस सर। बाकी लोग भी बोलिए, क्लियर है सबको? नो सर। चलिए देखिए फिर से पास्कल, देखिए एक हम लोग प्रोडक्शन करते हैं एक प्रोडक्ट का जिसका फिक्स कॉस्ट आता है 10,000 रुपया, ठीक है, और उस प्रोडक्ट को, एक प्रोडक्ट को अगर हम बेचते हैं, मान लीजिए पेन ही बनाते हैं, एक पेन को बेचते हैं कितना में बेचते हैं, 20 रुपया में, उसका वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट हम लोग देखिए क्या होता है, जितना भी डायरेक्ट कॉस्ट होता है और कोई भी ऐसा कॉस्ट जो वेरिएबल है, वेरिएबल ओवरहेड है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है मतलब, लेकिन वेरिएबल नेचर का है वो, जितना आप बनाते हैं उसके हिसाब से चेंज होता है, मान लेते हैं कितना है 10 रुपया, तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट आया 10,000 रुपया, ठीक है, और मेरा एसपी माइनस वीसी सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है, वो भी 10, 20 माइनस 10। तो क्या करेंगे हम लोग, बस रुपीज रुपीज है, रुपीज रुपीज, देखिए ऊपर भी है नीचे भी है रुपीज, क्या होगा रुपीज रुपीज कट जाएगा और यहाँ पे एक जीरो कट जाएगा, तो क्या आ गया हमारा टोटल 1,000। 1,000 क्या आया, यूनिट्स, कि 1,000 यूनिट आप बेच देंगे, 1,000 पेन बेचेंगे तो किसमें आ जाएंगे, ब्रेक इवन पॉइंट में, मतलब ऐसा पॉइंट में जहां ना ही प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस। अब क्लियर है पास्कल? यस सर। बाकी लोग को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, और हम लोग जानते हैं पिछले में देखे ही, अगर जो नहीं देखे वीडियो देख लीजिएगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन। तो हम अब पूरा ये नहीं लिख के फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट नहीं लिख के, सिर्फ क्या लिख सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, ठीक है, पर यूनिट। क्लियर है सबको, बोलिए। यस सर। यस सर। बुक में भी साथ में देखिएगा, हाँ, ताकि बुक में भी आप देखें और टिक कर सके। चलिए ये समझ गए, ठीक है, तो इसको हम लोग दो फॉर्मूला में बोल सकते हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, या सिंपल में इसको लिख दे तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, तो दो फॉर्मूला हो गया, क्लियर है सबको, बोलिए।
यस सर। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोला गया है ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको रुपीज में निकालना है। रुपीज में निकालना है मतलब क्या, आपको पैसा में चाहिए ना कि क्या आया आपका कितना। अभी तो हम यूनिट्स में देखे, तो बताइए यूनिट्स में मेरा अगर है कोई चीज और उसको हमको रुपया के टर्म में देखना है तो रुपया से ही इंटू करना है हमको, तो रुपया कौन सा जितना में आप बेचे, है ना, क्योंकि यूनिट्स निकल के आए ना, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किए आप। ठीक है, तो जो अभी हम लोग निकाले यही क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो हम लोग का क्या आया था, यूनिट्स में आया था आंसर, तो यूनिट्स को ही सेलिंग प्राइस से इंटू कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा मेरा रुपीज में। क्लियर है सबको, बोलिए। यस सर। ठीक है, इसीलिए फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, फिक्स कॉस्ट, इसको फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय देखिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू क्या, सेलिंग प्राइस। ठीक है, और इसको दूसरा तरीके से क्या लिखा गया है, या और क्या, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वीसी डिवाइडेड बाय एसपी। तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो कैसे आएगा, देखिए वीसी बाय एफसी है तो एफसी डिवाइडेड बाय इसका एलसीएम ले लेंगे तो एसपी, और एसपी माइनस वीसी, तो यही तो हो गया। फिर से ये एसपी क्या चल जाएगा ऊपर जो हम लोग यहाँ पे किए, और SP माइनस VC क्या होता है, कंट्रीब्यूशन। बोलिए क्लियर है सबको। यस सर। और एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए तो बगल में ही, और क्या, FC डिवाइडेड बाय PV रेशियो। ठीक है, पीवी रेशियो ये क्या होता है अभी देखते हैं हम लोग। ठीक है, पीवी रेशियो। ठीक है, और ये पीवी रेशियो क्या होता है, ब्रैकेट में लिख लीजिए पीवी रेशियो इक्वल टू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इक्वल टू प्रॉफिट वॉल्यूम ठीक है, कॉस्ट वॉल्यूम मेनली बोलते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम हम बोल रहे हैं शायद ना, कॉस्ट वॉल्यूम रेशियो बोलते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रेशियो, या क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, प्रॉफिट वॉल्यूम, एग्जैक्ट नाम तो दो नहीं शायद है। ठीक है, चलिए कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस ऐसे एक्चुअली बोलते हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पे तो रेशियो हो जाएगा, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रेशियो लिख लिए, या प्रॉफिट वॉल्यूम भी शॉर्ट में बोल सकते हैं, या कॉस्ट वॉल्यूम। ठीक है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस बोलते हैं, तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बोलना चाहिए ना। एक मिनट, इसमें एग्जैक्ट क्या लिखा है, प्रॉफिट वॉल्यूम ही लिखा हुआ है बुक में, लिखा हुआ है प्रॉफिट वॉल्यूम। अभी चैप्टर इसका टॉपिक में जाएंगे भी हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आप इतना भी लिखे, ये लिख लिए पीवी रेशियो। अब ये होता क्या, इक्वल टू लिख लीजिए कॉन्ट्रीब्यूशन सी बाई सेल्स एस इंटू 100। अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये टॉपिक आएगा अभी आगे। लिखिए, लिख लिए सब, हेलो सब लिख लिए, सर आवाज नहीं सुनाई दिया था। अच्छा, लिखिए लिखिए, प्रॉफिट वॉल्यूम ये क्या बोले, एफसी डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, पीवी रेशियो क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो लिखिए। यस सर। और पीवी रेशियो है क्या, यहाँ पे भी लिख लीजिए, आगे भी आएगा वैसे, पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 लिख लिए। यस सर। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग का फिर नेक्स्ट क्या है, तो अगर रुपीज में मतलब हम लोग निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं, या दूसरा आप क्या मेथड आ रहा है हमारा,
हम लोग देखिए अगर कैपेसिटी अगर इसमें बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया है कि अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर पता नहीं है, है ना, तब हम लोग क्या निकालेंगे। तो इसमें देखिए फॉर्मूला बताया हुआ है कि अगर पर यूनिट आपको नहीं पता है तो उस केस में ठीक है आप क्या कर सकते हैं, जो आपका फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल सेल्स अगर आपको पता है कि एक्चुअल सेल्स कितना हुआ है ठीक है, माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये क्या है, अभी देखेंगे हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन पॉइंट से जब हम लोग ऊपर चल जाते हैं ना, तो जितना हम लोग मतलब आगे गए वो क्या बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका भी एक टॉपिक आएगा, हम लोग देखेंगे उसको ठीक है। चल ठीक है, ठीक है, तो आगे आप बढ़ते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसमें देखिए अब फॉर्मूला बताया हुआ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंट बताया है क्या, सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है, सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, मतलब कितना हम आगे निकल गए किससे, ब्रेक इवन से ठीक है, डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100 ठीक है। तो इसका परसेंट आ गया, या इसका दूसरा क्या है फॉर्मूला निकालने का, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, जो आपके बुक में ही है, ये बुक से ही बोल रहे हैं, जब प्रॉफिट दिया हो। और पीवी रेशियो तो अभी हम लोग लिख भी लिए, अच्छा यहाँ आ ही गया वापस, है ना, तो हम लोग यहाँ से चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बीईपी कैपेसिटी लिखा हुआ है ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट अगर कैपेसिटी के टर्म्स में आप निकाले तो क्या आएगा ठीक है, बीईपी इन यूनिट्स डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटी इन यूनिट्स, मतलब यूनिट्स पे और टोटल अगर आपका कैपेसिटी कितना है, कितना बनाने का क्षमता है आपका, वो डिवाइड कर दिए इंटू 100 ठीक है। और रूपी में निकालना चाहते हैं तो दोनों ऊपर नीचे क्या हो गया, रूपी हो गया, बीईपी इन रूपी डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटी इन रूपी। अब देखिए फिर रेशियो का अगर बात किया जाए तो ब्रेक इवन पॉइंट ठीक है, अगर इसका रेशियो है तो बीई रेशियो, ब्रेक इवन रेशियो, तो क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स इनटू 100 ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स, इसका क्या मतलब हुआ कि कितना आपका ब्रेक इवन में पॉइंट में सेल आ रहा है और एक्चुअल सेल कितना हो रहा है, तो वही आपका क्या हो गया, बीई रेशियो, ब्रेक इवन रेशियो ठीक है, कि आप अपना एक्चुअल सेल्स का उससे उसको जब हम इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल सेल्स कितना रेशियो आपका मतलब परसेंट में आ रहा है। तो यहाँ रेशियो हम लोग याद करिए, अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप लोग पढ़े, ट्वेल्थ में भी अकाउंटिंग रेशियो पढ़े है ना, जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, सेल्स टर्नओवर रेशियो पढ़े है ना, बोलिए। यस सर, यस सर। तो वहां पे आप लोग जब पढ़े होंगे तो थ्योरी में शुरू में ही लिखा हुआ था कि रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो मतलब, रेशियो मतलब क्या होता है, सिर्फ ये नहीं कि इस टू वाला, तो वो तो होता ही है कि इस टू, और क्या होता है, फ्रैक्शन भी रेशियो बोलते हैं हम लोग, परसेंटेज भी रेशियो बोलते हैं, था ना, है कि नहीं, बोलिए क्लियर सबको। यस सर। हाँ यस सर। हाँ अब देखिए लास्ट है इसमें बोला गया है कंपोजिट ब्रेक इवन, अभी देखेंगे हम लोग, देखिएगा प्रैक्टिकल अभी करेंगे ना तो आप बोलेगा कितना आसान है ये, बस क्या होना चाहिए, बस हमको थोड़ा फॉर्मूला का समझ है, और फॉर्मूला का समझ भी कैसे करते हैं वो भी बताएंगे, ताकि आप तुरंत फॉर्मूला खुद से भी समझने लग जाए क्या होना चाहिए फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट से बताएंगे ना तो आपको उस समय और ईजी लगेगा। देखिए तो ब्रेक कंपोजिट या दूसरा इसका क्या नाम है, कुछ और नाम लिखा हुआ है इसमें, कंबाइंड, हाँ कंबाइंड, कंपोजिट या कंबाइंड भी बोलते हैं ठीक है, कंपोजिट या कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। तो रुपीस में निकालने के लिए क्या है, मतलब कंबाइंड मतलब बोलने का क्या मतलब है, जब एक प्रोडक्ट से मेरा ज्यादा प्रोडक्ट है ठीक है, तो मोर देन वन प्रोडक्ट अगर हम लोग उसका अगर देखते हैं ठीक है, तो क्या हो गया हमारा यहाँ पे कैसे निकलेगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मतलब सबका फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ रहा है डिवाइडेड बाय कंपोजिट पीवी रेशियो, कंपोजिट मतलब क्या, मिला हुआ ठीक है सब, अभी देखेंगे इसका न्यूमेरिकल में। और दूसरा फॉर्मूला से निकालना चाहें तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन और इंटू टोटल सेल्स ठीक है, तो वही कंपोजिट पीवी रेशियो जिसको हम लोग बोलते हैं। तो पीवी रेशियो ही तो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेल्स होता है, तो देखिए जब पीवी से डिवाइड किए तो नीचे कॉन्ट्रीब्यूशन है और ये सेल्स कहाँ चला गया, ऊपर फॉर्मूला में ठीक है। क्लियर है, बोलिए सबको यहाँ तक फॉर्मूलाज क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। बाकी लोग भी बोलिए बोलिए ठीक है। चलिए इलस्ट्रेशन वन अब देखिए, इलस्ट्रेशन वन में देखिए
सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, यूनिट्स प्रोड्यूस कितना है वो भी दिया हुआ है। आपको करना क्या है, बोला गया है कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए इन यूनिट्स, अंडरलाइन करिए। तो क्वेश्चन मेन क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट्स निकालिए यूनिट्स में। क्लियर है सबको? यस सर। तो अभी हम लोग पढ़े ब्रेक इवन पॉइंट्स यूनिट्स तो निकाले भी। देखिए एक प्रोडक्ट है जिसमें फिक्स कॉस्ट कितना है लिखा हुआ है 20,000 है, और उसका सेलिंग प्राइस कितना है लिखा हुआ है 20 रुपया एक यूनिट का, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट कितना है 12 रुपया। तो 20,000 डिवाइडेड बाई 8 तो कितना आ गया 2,500। क्लियर है सबको? बोलिए। यस सर। पास्कल आपको क्लियर है? सर इसमें 8 महीना का मंथली कैसे किया है 8? हाँ देखिए देखिए फिर से बताते ऊपर से देखिए। हाँ बता रहे सुर से हम देखते हैं। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया पास्कल? हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे बोलिए, फिक्स कॉस्ट यूनिट में निकालने के लिए क्या? हाँ यूनिट में निकालने के लिए। हाँ वेरी गुड। माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब देखिए अब इसको जब अप्लाई करेंगे हम लोग तो ऊपर में कितना आ गया, फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है बोलिए, फिक्स कॉस्ट कितना है 20,000। उसको रुपीज में लिखिए, तो बुक में नहीं लिखा हुआ रुपीज, आगे में रुपीज लगाइए उसके, वो रुपीज वाला जो साइन होता है इंडिया वाला लगा लिए, आगे लगा हूं। यस सर। और 20 रुपया में भी रुपया का साइन लगाइए, और 12 रुपया में हुआ है पहले ही। अच्छा आपके में पहले से है, मेरे में नहीं है पहले से, पुराना वाला है मेरा। चलिए तो 20,000 वाला अब ऊपर में रुपया है, नीचे में कितना हो गया 8 रुपया। क्लियर है पास्कल यहाँ तक? यस सर। 8 रुपया अब क्लियर हो गया 20 माइनस 12 से? यस सर। अब रुपया रुपया कट जाएगा, काटिए उसको, वो कटा हुआ नहीं होगा, आपको काटना होगा, काटिए, काटे 20,000 रुपया का रुपया साइन काट दिए, 8 रुपया का रुपया साइन काटिए, काट दिए। यस सर। बताइए अगर कोई चीज रुपया में नहीं है तो क्वांटिटी बताया है ना, वो समझ में आया अब? यस सर। तो 2,500 क्या हुआ क्वांटिटी, और क्वांटिटी किस में मतलब यूनिट बोलते हैं हम लोग। क्लियर हो गया? यूनिट। हाँ सबको क्लियर है बोलिए। यस सर। हाँ इसी तरह पूछना है डाउट है ना, जैसे पास्कल को डाउट हुआ तो इसे आप भी पूछिए, उसे क्या होगा आपको और क्लियर हो जाएगा, और नहीं पूछेंगे तो फिर आपको ही क्या होगा वो अटक के ना रह जाएं आप, तो उसे टाइम वेस्ट होगा आपका, पूछ लीजिए उससे बेटर है, ठीक है। फिर देखिए दूसरा पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन में बोला गया रुपया में निकाल दीजिए, तो रुपया में निकाल देंगे। क्या करते हैं रुपया में निकालने के लिए, जो आया है हम लोग का उसको किससे इंटू कर देंगे, सेलिंग प्राइस से है ना, पहले यूनिट में निकाल लिया उसको किससे इंटू कर दिया, सेलिंग प्राइस से। या दूसरा फॉर्मूला डायरेक्ट रुपया वाला जो फॉर्मूला है वो लगा दीजिए, कौन सा फॉर्मूला है वही पीवी रेशियो वाला। क्लियर है सबको? कॉन्ट्रीब्यूशन बाई सेल्स वाला। क्लियर है सबको? बोलिए। यस सर। पास्कल आपको क्लियर है? नो सर। रुपया वाला खाली क्या लग गया फॉर्मूला, रुपया वाला कौन कौन सा फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई 1 माइनस VC बाई SP लिखिए, या दूसरा तरीके से क्या लिख सकते हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई SP माइनस VC, और इंटू किसे करेंगे ऊपर में इंटू SP, वही चीज है, सब एक ही चीज को अलग अलग नाम बस किया जा रहा है। या इसी को कैसे लिख सकते हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई PV रेशियो, लिख लीजिए तो आप लोग भी लिखिए ताकि क्लियर रहे। FC डिवाइडेड बाई 1 माइनस VC बाई SP तो लिखा हुआ है, और वहीं पे लिख लीजिए, और इलस्ट्रेशन 2 का आंसर में बोल रहे हैं सॉल्यूशन में, FC डिवाइडेड बाई 1 माइनस VC बाई SP तो लिखा हुआ है, और OR लिख लीजिए वहीं पे, OR और FC डिवाइडेड बाई SP माइनस VC, वही चीज है जो वहां पे, उसी चीज को अलग अलग नाम बस लिखा हुआ है, इंटू SP लिख लिए सब। लिख लिए सर, और एक बार। और FC डिवाइडेड बाई SP माइनस VC इंटू SP, FC डिवाइडेड बाई SP माइनस VC और ऊपर में इंटू SP, लिख लिए इंटू SP ऊपर में जो अभी पीछे फॉर्मूला जो देखे हम वहीं से बोल दे रहे हैं आपको, लिख लिए। यस सर। काजल लिख लिए। यस सर। और लिखिए, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, FC डिवाइडेड बाई PV रेशियो, लिख लिए PV रेशियो। PV, हाँ PV जो अभी किए थे ना, पी पी पीकॉक वाला, और बी से वैन, लिख लिए। यस सर।
यस सर सब वही चीज है. सिंपल में क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन. ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया और इनटू क्या कर दिया, सेलिंग प्राइस. एक और लिखना है वो भी लिख लीजिए. सबसे पहले तो वही लिखिए जो अभी बोल रहे हैं, उसको सबसे पहले कर लीजिए. लिखिए तो एफ सी डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट सी, सी डिवाइडेड बाई सी बस कर दीजिए. सी क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. हाँ, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इंटू इंटू एस पी कर दीजिए बस. इंटू ऊपर में, ऊपर में इंटू एस पी करिएगा, ऊपर एस पी सेलिंग प्राइस, एफ सी डिवाइडेड बाई सी और ऊपर में इंटू एस पी. लिख लिए, सबसे पहले इसी को रखिए. हाँ, ये क्या है, बेसिक फॉर्मूला है. और सी मतलब तो हम लोग जानते हैं ना, सी का मतलब क्या, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. वो क्या होता है, लिख लीजिए वहां से एरो निकाल के. कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. यही है ना, पर यूनिट, पर यूनिट में सेलिंग कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, उसी को ना बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन. क्लियर हो गया, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट का बात कर रहे हैं ना हम लोग. क्लियर है, बोलिए सबको. क्लियर है, अभी भी कंफ्यूजन है तो एकदम सिंपल में एक आप क्या करिए, सीधे लिख लीजिए फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट और ऊपर में इनटू एसपी. एसपी माइनस वीसी को ही तो कंट्रीब्यूशन बोलते हैं. सब एक ही चीज दिख रहे हैं हम लोग, कुछ अलग लिखे ही नहीं है, एक ही चीज का जो अलग अलग तरीका है उससे आता है. ठीक है, क्लियर है, बोलिए सबको. यस सर. ठीक है, पास्कल क्लियर है आपको? यस सर. काजल? ठीक है, जिनको भी अगर कहीं डाउट होगा तो पूछेगा. चलिए, तो ये हो गया हमारा. ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में हमारा निकल गया. चलिए ठीक है, तो जो जो हम लोग अभी कर रहे हैं ना उसको आप देखिएगा बाद में भी. ठीक है, अब कैपेसिटी वाला भी हम लोग देख लिए. बीपी यूनिट्स में डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी यूनिट थ्री में वही है. ठीक है, फोर भी अब आप बना लेंगे रुपया में निकालने का और एक्चुअल सेल्स और ये. ठीक है, डाउट होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा. और कंपोजिट फिफ्थ में आइए, कंपोजिट में आइए. तो फिफ्थ में आगे. यस सर. जितना भी अभी हम लोग कर रहे हैं देखिए, इसी सब में से इजी है ये सब, और इसी सब में से आएगा. आप इजीली स्कोर कर जाइएगा, इसीलिए ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पे. ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और इजी भी है. हाल देखने रहे, सिर्फ क्या कर रहे हैं, छोटा छोटा स्टेप में ही आंसर निकल जा रहा है. ठीक है, फाइव में देखिए, फाइव में क्या किया हुआ है, इसमें कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट का बोला गया. कंपोजिट अभी हम लोग देख रहे थे, एक प्रोडक्ट से जब हम लोग ज्यादा बनाते हैं तो कंपोजिट उसको बोल देते हैं. तो देखिए, जय भवानी लिमिटेड मैन्युफैक्चर और सेल करते हैं चार तरह का पेंट को, कौन सा ब्रांड नेम के अंदर, ए बी सी और डी. जो सेल्स मिक्स है वैल्यू में उसमें क्या लिखा हुआ है, 30% 40% 15% और 5% है. मतलब कि जितना हम लोग सेल करते हैं ना, ए का उसमें कितना हिस्सा है, 30%. ठीक है, जितना भी सेलिंग वैल्यू में, वैल्यू में लिखा मतलब सेलिंग सेल्स का टोटल वैल्यू, वैल्यू मतलब रुपीज में कितना है, 30% उसका हिस्सा है, 40% आपका बी का है, फिर सी का 15 और डी का 15%. टोटल बजटेड सेल्स बताया गया है कितना, 50,000 पर मंथ. ठीक है, ये बजटेड सेल्स है, टोटल में बजटेड सेल्स. तो बताया गया ऑपरेटिंग कॉस्ट कौन कौन सा है, तो आपका दे दिया गया वेरिएबल कॉस्ट इतना इतना है, 50% है ए का, बी का, सी का, डी का, अलग अलग. तो फिक्स कॉस्ट लिखा हुआ है, टोटल पर मंथ कितना आता है, 12,000 पर मंथ. बोला गया पी बी पी निकालिए सारा पेंट्स का ऑन ओवरऑल बेसिस. ओवरऑल बेसिस मतलब क्या, कंपोजिट वे में निकालिए, कंबाइंड निकालिए, जो अभी हम लोग देख रहे थे फॉर्मूला में. हाँ, तो पीवी रेशियो हर एक पेंट का कितना आएगा, तो पीवी रेशियो हम लोग जानते हैं क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन बाई सेल्स करके बोलते हैं ना हम लोग. तो हम लोग का जितना भी क्या आया हमारा, इसमें देखिए कितना लिखा हुआ है, 50% है, 60% है वेरिएबल कॉस्ट, है ना. तो मान लेते कोई प्रोडक्ट 100 रुपया में बिकता है, हाँ, और उसका वेरिएबल कॉस्ट अगर आपका दिया हुआ है 50% है. ठीक है, तो बाकी 50% क्या हो गया आपका, कंट्रीब्यूशन. क्लियर हो गया, बोलिए क्लियर है. यस सर. फिर से बता रहे हैं, हाँ, तो देखिए बुक में भी लिखा है पीवी रेशियो ऑफ ईच पेंट.
और ऊपर में क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है ए का कितना, सेलिंग प्राइस का 50%। तो हम लोग मानते हैं जब नहीं कुछ रहता है तो क्या मान लेते हैं कि 100 है, एक्स मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। तो अगर एक ए प्रोडक्ट है, अगर 100 रुपया में बिकता है आपका, जिसमें से 50% मतलब 50 रुपया क्या हुआ, सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है, क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। 50% सेलिंग प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब 50 हो गया वेरिएबल, तो बाकी 50 क्या हो गया, कॉन्ट्रीब्यूशन। क्लियर सबको, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन। क्लियर है सबको, बोलिए। यस सर। यस सर। ठीक है, लिख लीजिए ए, ए है ना, ए जहां पे ए 100 माइनस 50 इक्वल टू 50% लिखा है, वहां से 50% से एक एरो निकालिए, बगल में ही लिख लीजिए, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन, इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। तो देखिए 100 था सेलिंग प्राइस, 50 हो गया वेरिएबल, तो 50% ही क्या हो गया आपका, कॉन्ट्रीब्यूशन। उसी तरह बी का 60% लिखा था वेरिएबल कॉस्ट, तो 40% कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। क्लियर है सबको, बोलिए। यस सर। बाकी लोग भी बोलिए। पास्कल, काजल और कौन कौन है, अनुपा बताइए। क्लियर है? यस सर, समझ आया। यस सर। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ कंपोजिट पीवी रेशियो, अब कंपोजिट कैलकुलेट कर देंगे, कैसे कैलकुलेट हुआ, ब्रांड दिया हुआ ए बी सी डी, परसेंट टू टोटल सेल्स भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, 30% 40%, मतलब हम 100 रुपया का सेल करते हैं तो 30% में उसमें, मतलब ए का 30% हम सेल करते हैं, मतलब 30 रुपया का ए प्रोडक्ट सेल हो जाता है, ठीक है। और सबका अगर मान लेते हैं 100 रुपया दाम है तो, और बी का कितना है 40%, मतलब सब मिला के 100 रुपया अगर सेल हुआ तो उसमें 30 रुपया हिस्सा होता है ए का, 40 होता है बी का, इस तरह से है ना, सी का 15 और डी का 5। पीवी रेशियो भी हमारा दिया हुआ है, ए का आ गया कितना 50%, ठीक है, 50% 40% जो हम लोग अभी निकाले इसको, है ना, सेल्स माइनस क्या किए थे यहाँ पे, वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन आया ना, तो पीवी रेशियो कितना आया मेरा 50। देखिए पीवी रेशियो से एक फिर से एरो निकालिए, तो पीवी रेशियो का जहां लिखा हुआ है, पीवी रेशियो से एरो निकालिए, कैसे आया ये पीवी रेशियो, लिखिए कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, सी बाय एस इनटू 100, सी बाय एस इनटू 100, लिखिए, बोलिए। बोलिए, लिख लिए। यस सर। हाँ। कंट्रीब्यूशन बाय सेलिंग सी बाय एस इनटू 100, पीवी रेशियो से एरो निकाल के लिखिए, वहां पे लिखा है ना पीवी रेशियो कॉलम 3। यस सर। यस मतलब सेलिंग, हाँ एस मतलब सेल्स, हाँ सेलिंग प्राइस पर यूनिट, या कंट्रीब्यूशन, सी क्या हो गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है, या अगर टोटल, हाँ ठीक है। अब देखिए अभी इक्वल टू लिखिए, इक्वल टू कैसे आया ये पहला का देख लीजिए, ए का लिख सकते हैं हम लोग, तो 50% के पास एक एरो निकालिए कॉलम 3 में जो पीवी रेशियो लिखा हुआ है, हाँ वहां पे 50 40 और 20 और 60 लिखा हुआ है ना, 50% कैसे आया, कैसे आया अभी हम लोग इसको देखिए, तो कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा कितना था, 50 था ना कॉन्ट्रीब्यूशन, और सेल्स कितना था 100, क्योंकि 100 100 सबका मान रहे थे, 100 माइनस 50 इंटू 100, तो कितना आया 50%। ऊपर में हम लोग निकाले भी है 50% 40% 20%, है ना, तो यहाँ पे भी आप लिख के समझ लीजिए 40% आया, तो वो कैसे आया हमारा कंट्रीब्यूशन वाला आया 40, है ना, सेल माने हम कितना टोटल 100 इंटू 100। क्लियर है सबको, बोलिए। क्लियर है? यस सर। हाँ अब बस कंपोजिट, हाँ अब कंपोजिट पीवी रेशियो आ गया, कंपोजिट कैसे निकला, इनटू हो गया सेल्स परसेंट से, कि टोटल में 100 रुपया का सेल में 30% इसका हिस्सा है, और जिसमें से इनका 50% हमारा क्या है पीवी रेशियो आया, तो कंपोजिट पीवी रेशियो मतलब मिला के, क्योंकि 30% तो ओवरऑल वाला है ना, परसेंट है टोटल सेल्स में, ए का कितना हिस्सा है 30%, तो
प्रॉफिट वॉल्यूम में इसका कितना कितना हो गया, कंपोजिट प्रॉफिट वॉल्यूम तो 30% इनटू 50% जो पीवी रेशियो आया तो 15%। इसी तरह मतलब इनटू कंपोजिट पीवी रेशियो मतलब क्या हुआ, आप इनटू कर दीजिए किसको किसको, परसेंट जो है टोटल सेल्स का, परसेंट ऑफ टोटल सेल्स इनटू पीवी रेशियो लिख लीजिए। तो कंपोजिट पीवी रेशियो से कैरो निकालिए, इनटू कर लीजिए परसेंट ऑफ प्रॉफिट से, एरो निकाल के लिखिए परसेंट ऑफ प्रॉफिट सेल्स इनटू पीवी रेशियो, इनटू पीवी रेशियो लिख लिए। यस सर। अब बस क्या करेंगे, लास्ट में फॉर्मूला बस लगा दिए, कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट का क्या है फॉर्मूला, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंपोजिट पीवी रेशियो, बस तो 37% हम लोग का कंपोजिट आया है, बस बन गया। क्लियर है सबको, बोलिए। यस सर। बाकी लोग भी बोलिए, क्लियर है सबको। यस सर। सिंपल में आप समझिए, हमको जो चीज निकालना है, क्या निकालना है इसमें, हमको बीईपी निकालना है ओवरऑल बेसिस पे। ओवरऑल बेसिस मतलब क्या होता है, कंपोजिट, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट से हम ज्यादा बना रहे हैं, तो हम सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में तो सीधे आंसर सॉल्व करने लग गए ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर हम करेंगे पहले क्या, पहले हमको जो निकालना है उसी का फॉर्मूला लिख ले, मतलब क्या कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट को ही अगर हम ऊपर में लिख देते, सबसे ऊपर कि निकालना हमको कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट है, तो पहले इसी को लिख देते हम, तो उससे क्या होगा, हमको पता रहेगा हमको क्या करना क्या है। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंपोजिट पीवी रेशियो लिख दिए, तो मतलब हमको पता करना है अब क्या, फिक्स कॉस्ट तो मेरा दिया ही हुआ है 12,000 पर मंथ, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, बोलिए दिया हुआ है ना। यस सर। अब हमको क्या चाहिए, कंपोजिट पीवी रेशियो चाहिए, और कंपोजिट पीवी रेशियो का फॉर्मूला भी हम लोग लिख ही लिए, क्या होता है परसेंट जो है टोटल सेल्स का कितना परसेंट है एक एक प्रोडक्ट का, उसको इनटू कर देंगे उनके पीवी रेशियो से। तो हम इसके लिए वो जो अभी टेबुलर फॉर्म में जैसा बुक में बना हुआ है वैसा बना देंगे, बस आ गया, अब मेरे पास ये भी मिल गया और फिक्स कॉस्ट मेरा दिया हुआ है, बस उसको फॉर्मूला में लगा देंगे तो सीधा आ जाएगा। क्लियर है आप सबको, बोलिए। यस सर। यस सर। ठीक है, एक जगह कॉपी में टॉप मार्जिन में लिखिए तो सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, लिखिए सेल्स वॉल्यूम इक्वल टू सेल्स इन रूपी, सेल्स इन रूपीज, वही रूपी वाला साइन दे दीजिए, सेल्स इन रूपी। नीचे में लिखिए वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू, वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है हम लोग जानते हैं, प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स, प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स। फिर इक्वल टू नीचे में लिखिए तो उसी के नीचे इक्वल टू, प्राइम कॉस्ट क्या होता है डायरेक्ट कॉस्ट, जितना भी डायरेक्ट कॉस्ट है प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स, लिख लिए सब, बोलिए। हाँ सर, दोबारा और एक बार। हाँ, इक्वल टू डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट प्राइम कॉस्ट क्या होता है डायरेक्ट कॉस्ट, जितना भी डायरेक्ट कॉस्ट है प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स, प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स, लिख लिए सब। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, अब देखिए छोटा टॉपिक है, अब क्योंकि हम लोग बेसिक समझ गए, हम लोग को टाइम नहीं लगेगा, अब तुरंत हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रॉफिट नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का अलग अलग नाम लिख लीजिए तो बुक में ही या कॉपी में टॉप मार्जिन में लिख लीजिए, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इक्वल टू, इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो, कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो, और फिर से स्लैश दीजिए कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, फिर स्लैश दीजिए स्लैश मार्जिनल रेशियो, मार्जिनल रेशियो, मार्जिनल रेशियो, लिख लिए। बोलिए। यस सर। ठीक है, चलिए देखिए, अब इसी में
बताया हुआ है। एक देखिए इम्पोर्टेंट चीज है, लिखते तो है प्रॉफिट वॉल्यूम लेकिन प्रॉफिट तो लिखते नहीं है। यहाँ प्रॉफिट मेनली किसको हम लोग बोल रहे हैं, मेनली कॉन्ट्रीब्यूशन को बोल रहे हैं, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट जो है उसको नहीं बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन को। तो कॉन्ट्रीब्यूशन तो एक्चुअल प्रॉफिट होता नहीं है क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो कॉन्ट्रीब्यूशन में हम लोग माइनस करते नहीं है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ना लेस करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देने का जरूरत है ना। ठीक है, बस यहाँ पे क्या बोलने का कोशिश करते हैं इसका प्रॉफिट वॉल्यूम से, ठीक है, कितना हम वैल्यू ऑफ सेल्स को डिनोट कर रहे हैं, मतलब ठीक है, जैसे कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेल्स है ना, मतलब आप कितना सेल, जितना आप सेल करते हैं उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन का कितना हिस्सा है। ठीक है, मतलब आप अपना वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर लेते हैं, ठीक है, उसका क्या अमाउंट है डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स कितना है। ठीक है, तो मतलब रिकवर करने के बाद आपका, ठीक है, जो मतलब जिसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं वो कितना पार्ट है सेल्स का, मतलब सेल्स का कितना हिस्सा है क्या आपका कंट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे 10 रुपया में हम कोई सामान बेच रहे हैं, ठीक है, और 6 रुपया उसका वेरिएबल कॉस्ट है, तो कितना आया कंट्रीब्यूशन, 4 रुपया आया। तो 4 डिवाइडेड बाई 10, मतलब 10 रुपया का आप सामान बेचते हैं तो उसमें से 4 रुपया आपका क्या हो जाता है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद वाला पैसा है वो, मतलब आपका वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर हो गया प्लस 4 रुपया आपका क्या आपका आ गया आपके पास। क्लियर है, बोलिए सबको। 10 रुपया में 4 रुपया आप बचा देते हैं वेरिएबल कॉस्ट को लेस करने के बाद, फिक्स कॉस्ट का तो बात नहीं कर रहे अभी। क्लियर है सबको? ठीक है, अब देखिए तो इसमें रिलेशनशिप बताया जाता है पीवी रेशियो में किसका, कंट्रीब्यूशन और सेल्स का। ठीक है, ठीक है, और उससे हम लोग को पता चल जाता है क्या रिजल्ट है प्रॉफिट का, क्या इफेक्ट पड़ता है ऑफ चेंजेस इन वॉल्यूम के, जैसे जैसे मेरा सेल बढ़ता घटता है उससे। ठीक है, तो हम लोग इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं पीवी रेशियो का, ठीक है, कि कौन सा प्रोडक्ट डिपार्टमेंट या प्रोसेस ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो जितना हायर हमारा पीवी रेशियो होगा उतना ही हमारा क्या होगा, प्रॉफिट का चांसेस है ना। ठीक है, तो इससे हम लोग और क्या कर सकते हैं, हम लोग ये भी देख सकते हैं कि हम लोग कितना इसको बढ़ा और घटा सकते हैं। तो कैसे बढ़ा घटा सकते हैं, तो क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन ऊपर में लिखते हैं तो कॉन्ट्रीब्यूशन का अगर अमाउंट मेरा बढ़ता है तो क्या होगा, मेरा पीवी रेशियो भी क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन का हिस्सा और आएगा, है ना। तो ये कैसे कर सकते हैं, अगर हम अपना सेलिंग प्राइस बढ़ा दे, पहले 10 रुपया में बेच रहे थे, मान लेते हैं अभी 20 रुपया में बेचेंगे, तो 20 माइनस 6 करेंगे तो आप पहले 4 आ रहा था, अब क्या आएगा, 14 आएगा, तो आपका देखिए बढ़ गया कंट्रीब्यूशन, तो क्या होगा, प्रॉफिट भी बढ़ने का चांस आ गया। अगर हम अपना दूसरा क्या चांस है कि अगर हम अपना वेरिएबल कॉस्ट घटा ले तो उससे भी क्या होगा, मेरा कंट्रीब्यूशन ज्यादा आएगा। और फिर क्या है, अगर हम अपना सेल्स मिक्सचर को चेंज करें, ठीक है, जिससे मेरा क्या ज्यादा जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स है हम उसको अगर बेचे, बुक से ही हम पढ़ रहे हैं, बुक में आप देख सकते हैं, तो किस किस कारण से हम अपना क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं जिससे क्या हो, मेरा मेरा जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाए, है ना। तो पीवी रेशियो का देखिए अलग अलग फॉर्मूला लिखा है, तो हम लोग तो पीछे एक फॉर्मूला किए ही, ठीक है, इसमें जो डिफरेंट फॉर्मूला है वो टिक करिए, क्या क्या डिफरेंट फॉर्मूला है देखिए, एक तो पीवी रेशियो इक्वल टू चेंजेस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंजेस इन सेल्स, इसको टिक करिए, इसको टिक कर लीजिए, कर लिए टिक, बोलिए। यस सर। दूसरा टिक करिए, हाँ दूसरा टिक करिए, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो चौथा फॉर्मूला है वो भी टिक करिए, तीसरा चौथा टिक करिए, कर लिए, बाकी yes, हाँ बाकी तो हम लोग कर चुके हैं इसलिए उसको टिक नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद बीईपी वाला फॉर्मूला से ही, वो बीईपी इन रुपी वाला है, वो तो वहीं से निकल जाएगा, जो पहले हम लोग एक फॉर्मूला यूज किए थे ना बीईपी का, तो उसमें भी तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स हो ही रहा था, मतलब फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कर ही रहे थे, इसलिए उसको टिक नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, और आप टिक कर सकते हैं कंपोजिट पीवी रेशियो, इसको कर लीजिए, कंपोजिट पीवी रेशियो लास्ट वाला 8, बाकी सब वही है जैसा हम लोग किए, लेकिन रीड कर लीजिएगा, फिर भी दोबारा एक बार रीड करने से भी माइंड में रहता है, बाकी रीड कर लीजिएगा। हाँ वही है जो हम लोग कर लिए ना पीछे, वही उसी को रिपीट किया हुआ थे, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई टोटल सेल्स क्या हो जाता है, कंपोजिट पीवी रेशियो। चलिए आइए इलस्ट्रेशन 6 में देखिए,
ठीक है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा हम लोग को, ये आज कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हम बेसिक सीख गए ना, तो अब इसका बस थोड़ा ही थोड़ा करके ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट हमारा है कितना है, 1,00,000 लिखा हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट लिखा हुआ है 10, और 3,00,000 हो गया टोटल में, और सेल्स है 30,000 यूनिट्स हम लोग करते हैं, पर यूनिट कितना है 25, और 7,50,000 है टोटल में। कंट्रीब्यूशन देखिए, हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, तो एसपी माइनस बीसी, हम लोग को निकालना क्या है, कैलकुलेट पीवी रेशियो, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स चाहिए, क्योंकि बाकी इन्फॉर्मेशन हम लोग देख रहे हैं निकल जाएगा इस क्वेश्चन से, है ना। तो कंट्रीब्यूशन निकाल लिए, कंट्रीब्यूशन कैसे निकाले, सेल्स जितना भी सेलिंग प्राइस है माइनस वेरिएबल कॉस्ट में टोटल लिखा हुआ है, पर यूनिट नहीं है तो टोटल ही निकाल लेंगे, ठीक है। तो टोटल 7,50,000 माइनस 3,00,000 वेरिएबल कॉस्ट है, तो 4,50,000 आ गया, और सेलिंग प्राइस तो या सेल्स हमारा दिया ही हुआ है, ठीक है, तो वैसे निकल गया। तो या तो पर यूनिट दिया तो उससे निकालते हैं, नहीं तो टोटल दिया तो टोटल से निकल जाएगा, और इनटू 100। बोलिए क्लियर है सबको? यस सर। 7 में एक दूसरा फॉर्मूला यूज हुआ है, 2 साल का दिया हुआ है, तो वही चेंजेस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाई चेंजेस इन सेल्स, 2017 का अलग है, 2018 का अलग है, तो ये भी एक फॉर्मूला है जैसा हम लोग टिक किए थे अभी, तो इस फॉर्मूला को यूज करके भी पीवी रेशियो निकल जाएगा। क्लियर है सबको? बोलिए। यस सर। ठीक है, 8 में देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा अलग है, इसमें एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो है ना। देखिए लिखवा देते हैं आपको, कॉपी में लिखिए, तो लिखिए एवरेज कंट्रीब्यूशन रेशियो इक्वल टू, एवरेज कंट्रीब्यूशन रेशियो इक्वल टू एवरेज और ओवरऑल पीवी रेशियो, एवरेज और ओवरऑल पीवी रेशियो, ओवरऑल एक साथ लिखते हैं, ओवर और ऑल, ओ वी ई आर ए डबल एल, ओवरऑल पीवी रेशियो इक्वल टू लिखिए सेल्स रेशियो इनटू पीवी रेशियो, सेल्स रेशियो इनटू पीवी रेशियो इक्वल टू सेल्स रेशियो मतलब क्या हुआ, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100, ये सेल्स रेशियो हो गया, और पीवी रेशियो तो हम लोग जानते हैं, इनटू पीवी रेशियो लिख लीजिए, इनटू पीवी रेशियो लिख लिए सर, और एक बार। यस सर। हाँ, क्या बोले, इक्वल कहाँ तक लिखे हैं पास्कल आप, इक्वल सेलिंग रेशियो उसका, सेल्स रेशियो इनटू पीवी रेशियो लिख लिए। यस सर। सेल्स रेशियो का क्या है, इक्वल टू, फिर से लिखिए, इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100, ये हो गया सेल्स रेशियो, लिख लिए। यस सर। और इनटू बाहर में इनटू कर लीजिए, इनटू पीवी रेशियो, पीवी रेशियो भी है ना, इसीलिए लिख लिए। यस सर। अब आइए इलस्ट्रेशन 8 देखिए, बस इसको यूज कर लेना है हमको। तो इलस्ट्रेशन 8 में बोला गया है, रांची कंपनी है, 2 प्रोडक्ट बेचती है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अभी आपका दिया गया है, पी और क्यू का सेल्स प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, अगर लिखा हुआ है टोटल क्वांटिटी है इन प्रोडक्ट्स का, अगर बेचते हैं हम लोग बराबर मात्रा में, तो आपको कैलकुलेट करना है एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो। तो अभी हम लोग फॉर्मूला देखे ही, तो हमको क्या चाहिए, फॉर्मूला पहले लिख देंगे हम लोग, ठीक है, पहले क्या लिख देंगे, लिखिए तो सॉल्यूशन जहां लिखा वहीं पे लिखिए, एवरेज कंट्रीब्यूशन रेशियो इक्वल टू फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है वो लिख लीजिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? बोलिए। यस सर। अब बस क्या करना है हमको, फॉर्मूला हमको पता चल ही गया कि हमको क्या निकालना है, सेल्स रेशियो इनटू पीवी रेशियो करना है, तो हम लोग दोनों निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन में पहले पीवी रेशियो निकाला गया है एक एक प्रोडक्ट का, पी और क्यू का अलग अलग निकाल दिया गया पीवी रेशियो, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100 करके, और फिर एवरेज कंट्रीब्यूशन निकाल दिया गया, वो कैसे, सेल्स रेशियो मेरा
सेल्स रेशियो निकाल के, सेल्स रेशियो कैसे निकलेगा? सेल्स रेशियो देखिए, एक 25 रुपया का प्रोडक्ट है, एक 40 रुपया का प्रोडक्ट है, देखिए वर्किंग नोट में लिखा ही हुआ है कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रेशियो। तो 25 रुपया डिवाइड और 40, टोटल कितना हो गया 65। तो 65 रुपया का जो भी सामान हम बेचते हैं, 25 रुपया उसमें किसका है, पी का है, तो रेशियो इसका क्या हो गया 38.46%। अगर क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन में ना कि इक्वल क्वांटिटी में बिकता है, इसी के कारण हम लोग इसको निकाल चुके, मतलब आपका ये पी भी उतना ही मात्रा में बिकता है और क्यू भी उतना ही मात्रा में बिकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 65 रुपया का सेल करते हैं तो 25 रुपया का आप कौन सा सेल करते हैं, पी का, और 40 रुपया का कौन है, क्यू है, मतलब एक पी बिकता है तो एक क्यू भी बिकता है। क्लियर हो गया सबको? बोलिए क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, बराबर मात्रा में बिकता है, तो मतलब 25 रुपया का एक बिकता है पी और 40 रुपया इसका दाम है क्यू, ठीक है, तो वो भी बिकता है, तो और बराबर मात्रा ही में, जैसे एक कोई एक जन ये खरीदे तो एक जन ये खरीदेंगे, तो मतलब आपका 65 रुपया जो आप कमाते हैं, 25 रुपया किसका है उसमें, पी का, तो 25 डिवाइडेड बाय 65, तो 38.46% आ गया पी का, और क्यू का कितना आ गया 61.54%। क्लियर है? बोलिए सबको क्लियर है? सर हाँ बोलिए। वर्किंग नोट में जो टोटल सेल्स रेशो करके 25/2 प्लस 40/2 क्यों लिखा है? 40/2 लिखा है, वो गलती से लिखा होगा, 65 होगा, 25/65×100 होगा। नहीं, जो सॉल्व किया हुआ है उसमें 25/2 प्लस 40/2 करके लिखा है, तो 2 कहाँ से लिया है? ओ, तो कोई प्रिंट मिस्टेक है लगता है आपका, मेरे में तो ऐसे लिखा है वर्किंग नोट में 25/65×100। आप लोग का भी अलग अलग दिया हुआ है क्या, बाकी लोगों का? सर जो आपका में दिया हुआ वही सेम है मेरा में। तो विवेक, आप ना विवेक, दूसरे विवेक से उनसे एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है? यस सर। क्या बाई टू बाई टू बाई टू प्लस तो हाँ ठीक है। तो विवेक इसका क्या करिएगा ना, इसका फोटो लिख के इसका भेज दीजिए, है ना, ताकि ये लोग देख पाए, है ना, मेरे में मार्किंग ये सब किया हुआ है तो थोड़ा बनेगा नहीं। हाँ ओके सर। हाँ ठीक है, तो सब मिला लीजिएगा विवेक से, और फिर भी कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा हमसे नेक्स्ट क्लास में, हाँ, या डाउट क्लास में। क्लियर है? ठीक है, चलिए देखिए, तो फिर सेल्स रेशियो आ ही गया, पीवी रेशियो आ ही गया, तो उसी को बस फॉर्मूला लगा के एवरेज पीवी रेशियो निकल गया। ठीक है, क्लियर है सबको? बोलिए। इलस्ट्रेशन 9 उसी तरह का है, 9 को होमवर्क लिख लीजिए, 9 में बस आप कर लीजिएगा क्या, ब्रैकेट में लिख लीजिए, तो हम इसको सॉल्व सिंपल में, इसमें एक्चुअल में हुआ क्या है वो बता देते हैं। लिख लीजिए तो ब्रैकेट में, इलस्ट्रेशन 9 का ही ब्रैकेट में लिख लीजिए, लिखिए यहाँ यूनिट सोल्ड दिया हुआ है, यहाँ यूनिट सोल्ड दिया हुआ है, देयरफोर टोटल सेल्स निकालकर सेल्स रेशियो निकालेंगे। फिर से बोल रहे हैं, यहाँ यूनिट सोल्ड दिया हुआ है, मतलब कितना यूनिट हम बेचे वो दिया हुआ है, जबकि पिछले क्वेश्चन में कितना यूनिट्स बेचे ये नहीं दिया हुआ था, उसमें बस एक एक का दाम बस बता दिया गया था। फिर लिखे कॉमा, टोटल सेल्स निकाल कर, तो क्या करेंगे, यूनिट दिया हुआ है तो इनटू प्राइस करके टोटल सेल्स निकल जाएगा, टोटल सेल्स निकाल कर सेल्स रेशियो निकालेंगे। लिख लिए सब? बोलिए। यस सर। अब ठीक है, अच्छा क्या करते हैं ना, अभी थोड़ा रुक जाते हैं, नहीं तो फिर हमको लगता है आप लोग को भी फिर, है ना, तो बेटर है अभी एक पोर्शन, दो पोर्शन और दो छोटा छोटा टॉपिक्स बचा हुआ है और, ठीक है, तो वो हम लोग कर लेंगे, या ऐसे जैसे होगा तो हम, अगर आपका सहूलियत के लिए अगर हमको बीच में रहता है तो हम वीडियो ही बना के आगे का भी भेज देंगे आपको। ठीक है, इसके बाद ना हमारा एक चैप्टर बचेगा, बस एक चैप्टर यूनिट 6 का, तो उसको भी हम लोग कर लेंगे, और फिर जहां तक हमको लगता है एक ही बचेगा ना, एक मिनट रुकिए, हाँ बाकी तो हम लोग कर लिए हैं, तो एक चैप्टर बचेगा यूनिट 6 के लिए, और तो ये भी अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको भी करना है, ये करके
फिर आपका हम फिर ना डाउट क्लासेस और इसमें चल जाएंगे, तो आप फिर अच्छा हो जाएगा हम लोग के लिए। ठीक है, सबको क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो देखिए हम लोग ना पहले खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और हो जाने का अब तो लग रहा है, और आपके पास टाइम रहेगा। बस आप देखिए, हम अब आपको थोड़ा स्ट्रैटेजी बताते हैं कैसे करना चाहिए आपको। आपको ना देखना चाहिए बेसिक चीज कम से कम, जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन किए पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो क्या होता है? आप ऐसे बोले कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100, ठीक है, तो ये हो गया मेरा पीवी रेशियो। अब हम इसका एक दो इलस्ट्रेशन हम कर लेते हैं। हाँ, तो एक दो इलस्ट्रेशन आप पढ़िए और उसको आप कॉपी से मतलब पेन से बना लीजिए, और जिसमें लगे ना कि ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसको आप बाद के लिए लिखिए कि इसको हम बाद में कर लेंगे, तो उससे क्या होगा ना आपका टाइम बचेगा और सिलेबस भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या होगा, जब आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि हाँ ये तो अब हम निकालना सीख गए, चलो इसका थोड़ा जो ऊपर वाला लेवल वाला क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं, तो इस तरह से आप करेंगे ना तो आपके पास टाइम भी बचेगा और आपका क्या होगा, आपका प्रिपरेशन में आपको कॉन्फिडेंस का फील होगा, है ना। नहीं तो क्या होता है, हम लोग सब चीज करने लग जाएंगे ना, क्योंकि टाइम अभी है नहीं, तो इसलिए आप अगर सब करेंगे ना तो आपको आपके लास्ट में ना टाइम कम होने लगता है, इसीलिए जरूरी क्या है अभी पहले हम बेसिक कर ले, बेसिक कर लेंगे फिर समय बचेगा, तो फिर क्या आपका ना फिर आप देखिएगा कि आप फिर तुरंत तुरंत कर लेंगे सब चीज। और थ्योरी के लिए आप क्या करिए कि उसी समय ही पढ़ बस लीजिए, ऐसा नहीं सोचिए कि थ्योरी हम बाद में पढ़ेंगे, उसको आप क्या करिए जैसे आज जो पढ़े हम लोग, तो आप भी क्या करिए ना बस देख लीजिए, अच्छा सर क्या बोला था, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू टोटल सेल्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट होता है, अच्छा ठीक है, फिर क्या है टोटल सेल्स टोटल कॉस्ट मतलब क्या है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, ठीक है ये समझ में आया हमको। हाँ समझ में तो आ रहा है कि अगर मेरा सेल्स और कॉस्ट बराबर है और कुछ मेरे पास कुछ बच नहीं रहा है, कॉस्ट माइनस होने के बाद कुछ बच ही नहीं रहा, तो क्या हो गया ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, ठीक है अच्छा ठीक है। तो इस तरह से आप अपना करिएगा ना, तो क्या होगा बेसिक समझ में आ गया, अब आपको समझ में आ गया वो चीज, ठीक है, और बेसिक नहीं आता है और बस हम एक दो बना लिए ऐसे, तो फिर वो ठीक नहीं है। तो थ्योरी को भी देखिए, प्रैक्टिकल को भी देखिए, ताकि थ्योरी में भी कॉन्फिडेंस रहे आपका और प्रैक्टिकल के लिए भी कॉन्फिडेंस रहे, तो ऐसे चलने से हम लोग के लिए ज्यादा ईजी होगा। और लर्न मत करिए अभी कि हम ये लर्न कर लेंगे वो लर्न करेंगे, कुछ नहीं लर्न करना है अभी, अभी बस पढ़िए, जब एग्जाम के लिए आप पूरा पूरा जब पढ़ने लगेगा ना तब आप कुछ कुछ चीज ही लर्न करिएगा, जैसे कुछ डेफिनेशन एक दो डेफिनेशन हो गया है ना कि क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये है तो इसका डेफिनेशन हम कर लिए, क्योंकि टाइम है नहीं तो लर्न नहीं करना है अभी, है ना। और कुछ कुछ पॉइंट्स आप देख लीजिए थ्योरी का, एडवांटेज डिसएडवांटेज है, तो खुद से भी सोचिए कि इसका दो तीन एडवांटेज चलो देख लेते हैं, हमको समझ में आ गया है अब तो हम ये खुद लिख सकते हैं, तो दो तीन भी अगर आप जानेंगे ना किसी का तो आप दो तीन तो आप अपने आप से भी लिख देंगे, क्योंकि उसी का तो इधर उधर रहता है पॉइंट, है ना। तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए दोनों का, थ्योरी का भी प्रैक्टिकल का भी, एक दो बेसिक बना लीजिए इलस्ट्रेशन, ठीक है, और कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। और एक चीज और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम वेस्ट मत करिए, गप मारना अभी छोड़ दीजिए, अभी बोलिए कि एग्जाम मेरा खत्म होगा तब हम बात करेंगे और खूब बात करेंगे बाद में, अभी मेरे पास जितना समय होगा हम जितना एक पीरियड अगर गैप होता है ना तो हम उसमें भी पढ़ लेंगे, क्योंकि तभी आपके पास टाइम रहेगा एग्जाम के लिए रिवीजन करने के लिए, लेकिन नहीं तो आपका कवर ही नहीं होगा तो रिवीजन कहां से करिएगा, ठीक है। तो क्लियर है सबको कैसे पढ़ना है? यस सर। मतलब अभी आपका पूरा ध्यान होना चाहिए इसमें, है ना, इवन आपका फेसबुक और ये सब भी करना है तो करिए, लेकिन 5-10 मिनट से ज्यादा समय नहीं दीजिएगा, ठीक है, कि टाइम वेस्ट नहीं हो आपका, ठीक है। फिर तो रुकते हैं हम लोग यहीं पे, सबको थैंक यू, कुछ बोलना है या पूछना है किसी को? ठीक है फिर रुकते हैं हम लोग, सबको थैंक यू। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू, गुड नाइट। हाँ ठीक है, थैंक यू, ठीक है।